ग्राम में वीडियो देखिए ना कि 200 ग्राम पनीर 200 ग्राम रेडियो में भी ये कचौड़ी हमारी एकदम खस्ता हो चुकी है और ये आ रही है बाहर चैनल। आज हम आए हैं राजौरी गार्डन में। राजौरी गार्डन में कहाँ राजेश जी पकौड़े वाले में इनके स्पेशल पकौड़े ट्राई करने, कचौड़ियाँ ट्राई करने। कचौड़ी की वैरायटी देखना भाई, एक नंबर है। और पकौड़ा तो भाई नेक्स्ट लेवल है ब्रेड पकौड़े का। ठीक है, फटाफट चलते हैं, इनसे बात करते हैं, आपको हम दिखाते हैं मेकिंग। चलिए वीडियो शुरू करें। तो ये आ गए हमारे आलू चाट के समोसे बन रहे हैं, और ये आ गए हमारी आलू, और हम इसके चाट बनाएंगे अच्छे से। ये आ गई हमारी हरी चटनी, और ये आ गई मीठी, ये मीठी चटनी आ गई हल्की सी हरी, और ये आ गया मसाला, ये स्पेशल मसाला। हाँ, ये स्पेशल मसाला हमारा। ये बन गई हमारी आलू चाट, अब इसको समोसा बनेंगे। ये हमारे आलू की प्रिपरेशन स्टार्ट होते हुए देखिए। ये स्पेशल मसाला जो कि चाट, जैसे मैंने आपको दिखाया प्रिपरेशन कैसी हुई थी मसाले की, ये देख लो। ये हमारा स्पेशल आलू चाट समोसा ही स्पेशल ऑर्डर पे तैयार किया जाता है। अगर आपको भी ऐसे ही समोसे का लुत्फ उठाना है तो यहाँ आइए और ये स्पेशल ऑर्डर पे बना के खाइए। अभी हमारे समोसे ट्राई जा रहे हैं। गरम गरम तेल पे ठंडी आंच पे पकाया जाएगा धीरे धीरे। भाई हमारे समोसे अभी तैयार हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि सर्कल का कलर आना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए हल्की हल्की आँच पे, मंदी आँच पे पकाया जा रहा है जिससे कच्चा ना रहे। भाई जी हमारे समोसे तैयार हो चुके हैं, जो स्पेशल आलू चाट वाले समोसे थे, अभी हमारे कढ़ाई से निकल रहे हैं। अभी देख ही सकते हो क्या रंग आया, बढ़िया एकदम हमारे त्यार। तो चलो इसकी टेस्टिंग करके दिखाते हैं यार कैसे है समोसे खाने में, और आपको बताते हैं हमारा एक्सपीरियंस। जो हमने आपको दिखाया था कि स्पेशल आलू का समोसा, जो कि चटनी वाला आलू चाट बना के जो समोसा भरा गया था, वो देखो हमारा तैयार है। मैं दिखाता हूँ इसके अंदर की फिलिंग आपको, क्या बढ़िया लग रही थी। ये देखो गाइस, मतलब यार आलू आप देख सकते हो कितना ही बढ़िया लग रहा है, और समोसा बिल्कुल पक गया अच्छे से। आप देख सकते हैं कि मंदी आंच पे से पकाया गया था बहुत ही बढ़िया तरीके से, और आलू में मसाला ये देखिए कितना ही बढ़िया लग रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं आलू के जो कि फ्राइड करके डाला गया था बहुत ही बढ़िया। तो चलो एक बार क्या, चलो टेस्ट करते हैं और दिखाता हूँ आपको कैसा लगा। भाई स्वाद तो बहुत ही बढ़िया है, जो आलू की फिलिंग है ना, और उसमें जो चटनी जो भी मसाले, इतना प्यारा स्वाद आ रहा है ना, इतना बढ़िया, मतलब मज़ा ही आ जाएगा खा के। अगर आप इधर नियर बाय कहीं भी रहते हैं राजौरी में,
तो राजेश जी पकोड़े वाले पे आइए और ये स्पेशल समोसा इनका ट्राई कीजिए। और नो डाउट यार मस्ट ट्राई आइटम है, बहुत आइटम्स है इधर खाने लायक। आप इधर आके ये समोसा जरूर ट्राई कीजिए और चैनल को यार फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, बाय बाय।